कर दोस्तों कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि प्राची ने घर को छोड़ दिया है। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया करके गाइस प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आने वाले एपिसोड में रणबीर से बहुत ज़्यादा नाराज होने के बाद में प्राची घर छोड़कर जा चुकी हैं और इस चीज़ की सूचना खुद रणबीर के मैनेजर ने रणबीर को दे दी है कि मैम घर छोड़कर निकल चुकी हैं, क्योंकि रणबीर जैसे ही डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर ले लिए हैं रिया के, क्योंकि रिया के डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करने बहुत ही ज़रूरी बहुत ही आवश्यक थे, क्योंकि रणबीर ने ये वाकई में बहुत ही अच्छा काम किया कि रिया से डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर ले लिए हैं। और फाइनली अब रणबीर पूरी तरीके से शोर हो चुका है कि अब प्राची के डिवोर्स पेपर की चिंता नहीं है, सिग्नेचर की अब वो चीज़ कर ली है। लेकिन दोस्तों रणबीर इस समय एक नई टेंशन में घिर चुका है प्राची की तरफ से, क्योंकि जहां प्राची को लग रहा था कि रणबीर रिया के साथ में रहना चाहता है, वैसा कुछ भी नहीं है। रणबीर एक्चुअली रहना प्राची के साथ ही चाहता है, और प्राची के साथ रहने के साथ साथ में आप लोग जान चुके हैं कि इस समय प्राची ही उस गुस्से में निकल चुके हैं घर छोड़कर, क्योंकि रणबीर वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो प्राची को ढूंढता है, अपने फादर से पूछता है, जो कि उसके फादर बोलते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन पल्लवी को वाकई में जब पता चलेगी तो पल्लवी काफ़ी खुश होती हुई नज़र भी आने वाली कि चलो फाइनली प्राची इस घर से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो चुकी है। लेकिन दोस्तों रणबीर जो कि पूरी तरीका से प्राची के लिए कितना दीवाना है ये बताने की हमें भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। और आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि प्राची को मनाने के लिए अब रणबीर घर छोड़कर तुरंत ही पहुंचेगा प्राची के पास में, और प्राची से बोलता हुआ नजर आएगा कि अगर तुम घर नहीं चल रही तो मैं भी तुम्हारे साथ ही यहीं पर ही रहने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि प्राची के साथ में रहने के लिए रणबीर कितने समय से एक्साइटेड है, और रणबीर जानता भी इस चीज़ को है कि प्राची ने हमेशा से ही इस घर के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ झेला भी है, लोगों के ताने झेले हैं। लेकिन फाइनली दोस्तों रणबीर की दादी रणबीर से बोलती हुई नजर आएंगी कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी प्राची बहू घर में चाहिए। दोस्तों थैंक यू सो मच।